यस वेलकम बैक बच्चों, फिर से हम आज बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में फिर से एक नया वीडियो आपके लिए। और आज हम इस नंबर सिस्टम को, क्योंकि अभी हमारा क्या चल रहा है, नंबर सिस्टम चल रहा है। तो नंबर सिस्टम में हम रैशनल नंबर, जैसे कि हमें पता है कि नंबर सिस्टम जो रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर्स, राइट। तो नंबर रैशनल नंबर के सारे वीडियोज मैंने 5-6 वीडियोज रैशनल नंबर से रिलेटेड सारे वीडियोज मैंने डाल दिए, और आपको उन सारे वीडियोज को देखना है। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हो तो देखना है अभी आपको, ठीक है, ताकि आपको एक रैशनल नंबर के बारे में पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बहुत कुछ हमने इसमें सीखा है, कैसे इनके बीच का, दो रैशनल नंबर के बीच में कैसे रैशनल नंबर निकालते हैं, मतलब बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, राइट ना। लेकिन अभी हम इस वीडियो में इस रैशनल नंबर की बात ना करते, हम इरैशनल नंबर की बात करेंगे जो कि इसका सेकेंड लेग है, राइट। और अब हम देखेंगे हम यहाँ पे, तो पहले हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि जो इरैशनल नंबर होता क्या है। एक बहुत अच्छा टॉपिक, और 10th एकेडमिक बच्चों के लिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पड़ता है ये टॉपिक। और आपको पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन बिल्कुल श्योर शॉट क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट द रूट 5 रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, ऐसा करके आता है। तो हम वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दे दूं कि इरैशनल नंबर होता क्या है। वैसे देखा जाए तो बाय द डेफिनेशन अगर हम बात करें तो जो इरैशनल नंबर है उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं, राइट। वो टर्मिनेट नहीं होता, रिपीट भी नहीं होता। ऐसे दो एग्जांपल्स आपके 9th बुक में दिया हुआ है, देखो जैसे मैंने रूट 2 की वैल्यू लिखी हुई है 1.414213562373093095048804880, इस तरीके से करता वो आगे जा रहा है। लेकिन हम यहाँ देखें, कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है जो कि रिपीट हो रहा है और जिसके ऊपर मैं बार लगा सकता हूँ, ऐसा कोई ब्लॉक ही नजर नहीं आ रहा मेरे को। तो ऐसे नंबर्स जहाँ पे कोई ऐसा कोई भी ब्लॉक जो रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। और वैसे देखा जाए फाइनली तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं इरैशनल नंबर्स, राइट। तो आपको डिटेल में जाने के लिए तो आपको यही देखना पड़ेगा ना, इस तरीके से ये इसकी डेफिनेशन है। लेकिन कई बार बच्चों क्या होता है कि वो डेफिनेशन की तरफ जाते नहीं है और ऐसे वो सोच लेते हैं कि जो रूट में कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता वो इरैशनल नंबर होता, कुछ ऐसे ऊपर ऊपर से वो समझने का प्रयास करते हैं। तो ऊपर ऊपर से भी मैं आपको बता दूं कि ऐसे कोई नंबर है ना, जैसे मैं चलो पहले मैं पाई की तरफ बात करता हूँ। पाई भी एक इरैशनल नंबर है क्योंकि इसके भी देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं आ रहा जो कि रिपीट हो रहा हो, राइट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए, लेकिन फिर भी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लो रूट 3, रूट 5, रूट 7। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें रैशनल नंबर की, तो रूट के अंदर वो सारी संख्याएं, वो सारे नंबर्स जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं वही इरैशनल नंबर्स बनता है, राइट। जैसे कि लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जस्ट यू शुड नॉट कंफ्यूज कि आप देखो यहाँ पे अगर मैंने रूट के अंदर रूट 16 लिखा तो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, तो ये बाकी क्या रैशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन ऐसा कोई नंबर जो रूट के अंदर 7 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो रूट 7 क्या है वो इरैशनल नंबर है, रूट 3 क्या है इरैशनल नंबर है, रूट 5 क्या है इरैशनल नंबर है, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ऐसे नंबर्स आपके इरैशनल नंबर्स कहलाते हैं, आपको ध्यान रखना है, राइट। और बाय द डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि दोस नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कॉल्ड द इरैशनल नंबर, राइट। अब बच्चों के सेकंड प्रॉब्लम्स क्या होती है, सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को, कि बच्चों को दिमाग में आता है जो नंबर बन रहे तो सारा इतना लंबा नंबर बन के निकल के आया है। कई बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है कि हम इस रैशनल नंबर को ये जो उसकी वैल्यू निकल के आई है 1.41421 ये आ कैसे रहा है, सो निकालते हैं कैसे, ये बच्चों के लिए बेसिकली प्रॉब्लम रहता है। तो देखो मैं इतना बड़ा नंबर तो लेकर नहीं जाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी मैं अगर तीन डिजिट या 4 डिजिट पॉइंट तक मैं आपको रूट 2 रूट 3 है ना इसकी वैल्यूज निकाल के आपको दिखाता हूँ, और कैसे हम इसकी वैल्यूज को निकालते हैं आज हम इसको सीखते हैं। तो इस वीडियो का हमारा मकसद ये कि रैशनल नंबर के डेफिनेशन को समझना, और चूंकि वो रिपीटिंग नहीं है नहीं होता इसलिए इरैशनल नंबर से ये कहलाते हैं, कोई ब्लॉक से रिपीट नहीं हो रहा। तो बेसिकली अब फाइनली इस वीडियो के अंदर हम लोग रूट 2 की जो वैल्यू आ रही है 1.41421 इस तरीके से जा रहे हैं, तो मैं 3 डिजिट तक आपको इसकी वैल्यू निकालना आपको सिखाता हूँ। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, तो उसको हम तसल्ली से उसको देखते हैं किस तरीके से निकालना होता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो वैसे तो देखा जाए तो बच्चे 8th स्टैंडर्ड में इसको सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी है ना अगर आपकी प्रॉब्लम है तो हम इसको एक दो क्वेश्चनों के साथ हम इसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखो जैसे क्या करना होता है मेरे बच्चे, रूट 2 की मुझे वैल्यू निकाल लिया, तो 2 को मैंने क्या किया है ना, इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ सब कन्फ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। मैंने रूट 2 को क्या किया, मैंने इसको इस तरीके से प्लॉट डाला, ठीक है।
और इसमें देखो टेबल ना हम जैसे हम जनरली टेबल पढ़ते हैं उस तरीके से टेबल नहीं पढ़ते। इसमें टेबल कैसे पढ़ना होता है मेरे बच्चे, जैसे 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 5 5 जा 25 इस तरीके से होता है। और ध्यान रखना है जैसे नॉर्मल डिवीजन में क्या होता है, वन डिजिट हम नीचे कैरी करते हैं, इसमें दो पेयर्स पेयर्स वो नीचे निकल के आता है, पेयर्स जो है वो दो दो डिजिट के पेयर वो नीचे निकल के आता है। और देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर आपको कई सारे क्वेश्चंस में होमवर्क के फॉर्म में दूंगा, आपसे करना और अपने कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि सर आपको इस नंबर का आपको वैल्यूज में निकाल के दिखाऊं। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एक दो वीडियो एक्स्ट्रा भी निकालेंगे, ठीक है, एक दो वीडियो और मैं एक्स्ट्रा डालूंगा इसके ऊपर, इसकी वैल्यूज को निकालने के लिए। आपको घबराना नहीं, लेकिन आपको सीखना है इस वीडियो के अंदर कि कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो रूट टू की वैल्यू निकाल रहा हूँ मेरे बच्चे, तो उसको देखो मैंने क्या बताया था, टेबल कैसे पढ़ते हैं, 1 1 जा 1 तो 1 1 जा 1 2 2 जा 4 तो 2 2 जा 4 में तो ज्यादा जाए तो 1 1 जा 1 तो मैंने यहां 1 डाला, राइट। और फिर क्या करना होता है, मैंने यहां 1 लिखा, 1 1 जा 1 यहां लिखा, फिर एक बार 1 यहां भी लिखेंगे, तो यहां तो मेरे बच्चे इसको ऐड कर देते हैं, है ना, 2 आ गया यहां पहले से लिख दिया, और यहां इसको लेस करते हैं तो 2 - 1 1 आ गया, राइट, ये 1 आ गया। अब हमारे डिजिट खत्म हो गए, डिजिट तो था ही नहीं, तो मैंने क्या किया, यहां से अज्यूम करते हैं 2 डिजिट से एक साथ उतारते हैं हम इस, एज ए नॉर्मल डिवीजन में क्या होता है एक डिजिट आएगा, लेकिन दो डिजिट हम यहाँ उतारते हैं और हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो 00 आएगा, ठीक है। और अगर ये 00 हम जब अपने आप उतारते हैं तो मेरे बच्चे यहाँ पॉइंट लग जाता है, हमारा आंसर में क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, अब ये 100 हो गया, अब मुझे अगला स्टेप लेना है, अभी सोचना है कि मैं यहाँ पे कौन सा डिजिट लिखूं, है ना। यहाँ पे मैं 3 भी लिख सकता हूँ, 3 लिखा तो मेरे को 3 लिखना पड़ेगा, अगर मैंने यहाँ 4 लिखा तो मुझे 4 लिखना पड़ेगा, अगर मैंने यहाँ 5 लिखा तो नीचे भी 5 लिखना पड़ेगा। तो मुझे ऐसे टेबल ढूंढनी है कि अगर मैं 4 लिखा, मतलब 4 लिखा तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, तो क्या होगा कि उसी से इसकी मल्टीप्लाई करके मुझे यहाँ लिखनी है, है ना। अब तो मुझे देखना मैंने क्या लिखा, 5 लिखा मैंने, तो 5 जो 125 ज्यादा हो जाएगा तो मुझे बैक जाना है, बैक जाना है तो यहाँ मैंने लिखा 4, क्या लिखा मैंने 4, तो यहाँ 4 लिखा मैंने, तो यह गया 24 × 4 तो क्या 96 हो जाएगा ये। और यहाँ पे मैं अगर क्योंकि 4 से डिवीजन करूँ तो यहाँ 4 लिखा, ठीक है ना। तो आपको देखना है, आपको यहाँ वैल्यू डालकर आपको देखना है, आपको वैल्यू डालकर आपको देखना है, फिर इसका शॉर्टकट छोटा ट्रिक भी है, लेकिन फिलहाल तो मोटा मोटा ही समझो कि यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी है, जो डिजिट यहाँ डालोगे वो डिजिट यहाँ नीचे लिखना है और उसकी मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है ना। तो मैंने क्या 24 4 96 है, मैंने यहाँ इसकी वैल्यू डाला और यहाँ 4 लिखा तो यहाँ 4 लिखा। तो अब मेरा अगला स्टेप क्या है, एक तो इसे लेस कर देना है, तो 10 - 6 4 आ गया और 9 - 9 9 क्या हो जाए 0 हो जाएगा, तो यानी अब कुछ रहा नहीं। और ये अगर 28 हो गया मेरे बच्चे, क्या हो गया, इसको जोड़ लेते हैं 24 और 4 28 हो गया, ठीक है। फिर अब मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है तो फिर मैंने 00 उतारा। अब 00 उतारने का मतलब ये हुआ कि वो 00 आता रहेगा, लेकिन पॉइंट बार बार नहीं लगाना आपको, ठीक है ना। तो अब मुझे देखना है कि मैं यहाँ क्या लिखूँ, कि ये 20 मैं यहाँ पे क्या लिखूँ कि 400 से ज़्यादा भी ना और 400 से डिवीजन भी हो जाए, राइट। तो मैं अगर यहाँ पर 2 लिखता हूँ मेरे बच्चे, तो यहाँ मुझे 2 लिखना पड़ेगा। मैंने क्या देखा, अगर मैं 2 लिखने से क्या हो रहा है वर्ड विलापन, कि ये 400 से ज़्यादा चला जाएगा अगर इसी में मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो मुझे क्या करना, वापस बारना है 1 पे, तो 1 मैंने वहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 1, तो ये अगर 281 और 2 अगर मैं 82 लिखता तो आप देख ही पा रहे हो, तो 2 2 जो 4 हो जाता कैरी 1, 2 8 जो 16 17 हो जाता, और ये 5 ये ऐसा जाता, ये 400 ज़्यादा हो जाती है वैल्यू, तो मुझे 2 पे नहीं जाना है, वापस 1 पे आना है। तो 1 ये ऊपर भी लिखना है, 1 नीचे भी लिखना है, राइट। तो 10 में से 1 गया तो आपके पास 9 आ गया, यहाँ पे 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया तो आपके पास 1 आ गया, और यहाँ बच गया 3 में से 2 गया तो 1 19 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया तो 282 आ गया, डन। ये मेरा यहाँ पर तीसरा स्टेप फिनिश होगा। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो ये आ रहा है 1.41, अब देख सकते हैं हम इसे। फिर अब मेरे पास कोई डिजिट तो है नहीं, तो मैंने यहाँ पे 00 उतारा। अच्छा अब मैं यहाँ क्या लिखूँ, अब सर आपको लग रहा हो सर ये तो 5 डिजिट का आ गया और ये हमारे पास 3 डिजिट का है, तो कोई इसका शॉर्टकट नहीं सर कि मुझे एकदम से पता लग जाए कि मैं क्या लिखूँ कि ये से डिवीजन हो जाए। बिल्कुल शॉर्टकट है इसका, आप देखो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान देना आपको उस बात पे। देखो आपको क्या करना है मेरे बच्चे, कि देखो मैं यहाँ पे कोई ना कोई एक डिजिट तो मैं लिखूंगा, आपको समझना है मेरे को यहाँ पे मैं तो एक कोई ना कोई डिजिट यहाँ लिखूंगा, तो 3 डिजिट का हो जाएगा, तो 3 डिजिट आप इधर से छोड़ दो, इधर से छोड़ दो, डन। अब 2 का टेबल पढ़ो, सिंपल टेबल 2 की टेबल पढ़नी है, 11 कितने बार में जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा मेरे बच्चे, 5 टाइम्स में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फटाफट से आपको क्या करना है, ये 5 यहाँ लिखकर यहाँ नीचे 5 ना मल्टीप्लाई करो, चेक कर लो रफ में, अगर ये 5 से कम है तो यहाँ लिख दो, अदरवाइज 4 से तो जाएगा ही जाएगा, अगर 5 से नहीं जा रहा तो 4 से तो जाएगा ही जाएगा, फिक्स है।
अगर 5 से ज्यादा हो गया बाई चांस तो आपको प्रॉब्लम क्या रही, आपको दो डिजिट की तो प्रॉब्लम ही, 5 पे चेक करना है तो 4 पे चेक करना है, बस फाइनल होगा, दिस इज अ शॉर्टकट। अगर आपको लगता है नहीं तो पहले आपको डाउट रहता है ना 3 पे करो कि 4 पे करो, 4 पे करना है, 3 पे करना है, 7 पे करना है, रैंडमली ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बिल्कुल शॉर्टकट बता दिया, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ उस बात को, मैं यहाँ पे कोई डिजिट लिखने वाला हूँ, 1 3 यहाँ से छोड़ो, 3 यहाँ छोड़ो, 2 की सिंपल से सिंपल डिवाइड करो उसको 5 टाइम्स, 5 पे चेक कर लो। तो मैं 5 लिखकर देखो, यहाँ मैंने 5 लिख के चेक कर रहा हूँ, यहाँ 5 लिख के यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको नहीं लिखना क्योंकि मेरे पास तो मार्कर है, मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन आप लिख देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसे रफ में चेक करेंगे। तो 5 5 25 कैरी 2, 5 2 10 और 2 12 होगी, कैरी 1 होगा, 5 8 40 और ये कितना हो गया 41, कैरी 4 हो गया आपके पास, अब 5 2 10 और 4 14 हो गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ज़्यादा है, क्या रहे ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, वापस से बैंक पे जाना है, 2 8 2 4, तो यहाँ मैंने लिखा 4, ठीक है मेरे बच्चे। क्योंकि देखो 14,000 आ गया तो 11,000 तो ज़्यादा है, एक पीछे पीछे चले जाना है, 5 5 ना लेकर 4 ले लेना है। तो अगर मैं ऊपर 5 लिखूँ तो नीचे ही 5 लिखूँ, मैंने बताया आपको टेबल कैसे पढ़ते हैं, 1 1 जब 1, 2 2 जब 4, 3 3 जब 9, इस तरीके से इसमें, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर के फॉर्म में ही पढ़ना होता है टेबल को, राइट। तो यहाँ पे 4 4 16, कैरी 1 होगा, 4 2 8 1 हो गया, 4 8 32 2, हाँ से लग गया 3, और 4 2 8 और 3 कितना हो गया मेरे बच्चे 11, और देख पा रहे हो ये 11,296 आया है ना, 4 4 16 हाँ से 4 2 8 1 9 और 4 8 32, अच्छा 4 8 32 के तो आप कह रहे थे 4 2 8 और 3 11, तो हम ये देख पा रहे 11,296 वो इससे छोटा है, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ 4 लिखा मैंने, यहाँ 4 लिखा, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 9 गया तो 0, और यहाँ क्या बच गया मेरा बच्चा 8 8 में से 2 गया 6, और यहाँ पे अगर आप इसे जोड़ेंगे तो 2 8 2 8 है ना, ऐसा आ जाएगा। फिर से वही अगला स्टेप 00 उतारेंगे और यहाँ फिर एक डिजिट लिखेंगे और आपका 4 आ गया। तो इस तरीके से आप इस तरीके से देखो, आपको जब ये 4 स्टेप समझ में आता तो बाकी सारे स्टेप्स भी आप अपने आप कर सकते हो, घबराने की कोई बात है ही नहीं, राइट। तो इस तरीके से हम इस इसका जो वैल्यू है इसको निकालते हैं। तो मैं एक ही क्वेश्चन बता पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आया, थोड़ा समझ में आया और मेरा मेथड आपको सही समझ में आ रहा है, लेकिन आपको और क्वेश्चंस की जरूरत है, तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि सर मुझे और वीडियो की और ऐसे क्वेश्चंस को निकाल के दिखाओ, 1 2 क्वेश्चन और निकाल के दो ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाए। तो मैं आपके लिए और कई सारी वीडियो बना दूंगा, रूट 3 रूट 7 रूट 11 11 को निकालते और वीडियो बना देंगे। आपको घबराने नहीं, लेकिन इस चैनल के साथ बने रहना है, और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जब तक ये बेसिक फंडामेंटल चल रहा है आपको साथ रहना है और मैथ में एक्सपर्ट बनना है, राइट। तो थैंक यू फॉर इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।